दोस्तों सत्यम ऑर्डर करवा रहा है आईफोन 14 प्लस। तो भैया स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 11 अप्रैल 2024 और अभी मैं हूँ अपने रूम में ही। वैसे तो अभी कहीं आना जाना है नहीं है, कल देखूंगा बुकिंग वगैरह जो मुझे करनी है वो कल ही आपको पता चलेगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, जो गोरखपुर और अयोध्या वगैरह मुझे जाना है उसके लिए। और वीडियो पर जो देखकर आप आए हैं आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, एक सत्यम के लिए आईफोन भी बुक होना है शाम को कैसी भाई से, एक दो दिन से वो ट्राई कर रहा है, मतलब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। कल उसने ट्राई किया था तब अवेलेबल नहीं था, ख़त्म हो गए थे, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मैंने रात को उसको 12:00 बताया लेकिन उसने तब देखा नहीं, वो गेम वगैरह का खेल रहा था। और सुबह जब देखा तो उसके सामने मतलब एक वो था स्टॉक में और करते करते उसी टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो आज अगर अब लेवल मिल पाता है तो शाम तक बुकिंग कर देंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया आईफोन बाई करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, जब आईफोन की रेट सबसे सस्ती होती है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है दो तीन साल में हर बार सबसे सस्ती ऑनलाइन आपको डील मिल जाती है। वो मैं टाइम बताऊँगा और वो मंथ बताऊँगा आपको, और कहाँ से मंगाना है ये भी बताऊँगा। साथ में ये भी बता दूँगा कि बेस्ट ऑफर आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने प्राइस हिस्ट्री वेबसाइट खोल रखी है, इस पर मैंने एक आईफोन डाल दिया, आईफोन 14 सादा वाला वेरिएंट है। आप कोई भी वेरिएंट इस वेबसाइट पर आकर, मतलब यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लिया, आईफोन मैंने यहाँ पर सर्च किया था, अरे यार क्या खुल गया ये, हाँ इसकी ये लिंक कॉपी करी मैंने ऊपर से और यहाँ पर पेस्ट कर दी, डायरेक्ट उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कब यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, उसकी रेट क्या चल रही थी, उसके बाद कब इसकी प्राइस ड्रॉप हुई, यहाँ पर सब डिटेल दे देते हैं ये लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया सबसे कम यहाँ पर नवंबर के आसपास गई है, जब यहाँ पर दिवाली थी। तो दिवाली के टाइम पर आपको पता ही होगा कि भैया बिग बिलियन सेल आती है फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से, और उस टाइम पे आईफोन की प्राइस ड्रॉप होती है। वैसे सितंबर में तो आईफोन लॉन्च होते हैं, आपको पता ही होगा कि हर साल सितंबर में आईफोन लॉन्च किया जाता है, और उसके बाद लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर आईफोन की प्राइस ड्रॉप कर दी जाती है पुराने वाले आईफोन की। नए वाले आईफोन की प्राइस ड्रॉप नहीं होगी, नए वाला तो आपको उसी रेट में मिलेगा, लेकिन हाँ पुराने वाले आईफोन की प्राइस कुछ ड्रॉप हो जाती है। बिग बिलियन डेज में हो सकता है नए वाले आईफोन की भी कुछ प्राइस ड्रॉप कर दी जाए, लेकिन पुराने वाले की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर पुराना, मतलब जो इससे पहले वाला वेरिएंट आया था, मतलब जैसे 16 अभी लॉन्च होगा, तो उस 15 वाला आपको सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर के बीच में काफ़ी सस्ती रेट में मिल जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये का तो अंतर आ ही सकता है। तो आप बजट बना के रख लिए और उस टाइम ले लीजिए। अब आप ये सोचेंगे भैया कि फ्लिपकार्ट से लेंगे अमेजोन से, तो अमेजोन भैया अमेजोन वाला वो टाई अप नहीं है, इसके साथ फ्लिपकार्ट पे ही आपको सस्ता मिलेगा आईफोन। तो फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करके रखिए और मतलब चलता रहेगा, अच्छा ऑफर आउट नहीं होते स्टॉक में से, तो आप आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। बस आपके पास बजट होना चाहिए उतना, और उस टाइम तो आपको क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। साथ में आप अगर अपना मोबाइल एक्सचेंज वगैरह में देंगे पुराना वाला, बस कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले वगैरह अच्छी होनी चाहिए, तो आप पुराना वाला मोबाइल भी आराम से 5-6 हज़ार में, 5-6 हज़ार तो नहीं सॉरी 4-5 हज़ार में दे सकते हैं। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने पिछले इस साल बाई किया था, तो उसने 4 हज़ार के आसपास उसका मोबाइल चला गया था, और आईफोन उसको शायद 47 या 48 के आसपास पड़ा था। कुछ एक्स्ट्रा HDFC का डिस्काउंट वगैरह भी उसने ले लिया था, तो काफ़ी सारे डिस्काउंट वगैरह मिलने के बाद उसको इतने का पड़ गया था। अगर आपको सेकंड हैंड मंगाना है तो सेकंड हैंड अभी सत्यम ऑर्डर करेगा आज कैसी फाई से। तो ये है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वेबसाइट है कैसी फाई। आप गूगल पर डायरेक्ट डालेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आता है बाई फोन, यहाँ पर क्लिक करके इसमें ऑफ़र वाले आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। इस वाले लिंक पर क्लिक कर दिए, मोबाइल में भी खुल जाती है। जैसे यहाँ पर ऑफर चल रहा है 11 प्रो मिल रहा है आपको 26 हज़ार में, 6 महीने की यहाँ पर वारंटी भी आपको दे दी जाती है। ये सभी ऑफर वाले चल रहे हैं, 12 मिल रहा है आपको 27 हज़ार में, और जो भी आपको देखना है 12 मिनी है 23 हज़ार में, 12 प्रो, बहुत सारे आईफोन के ऑफर यहाँ पर चल रहे हैं, आप चाहें उनसे भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा फ़ोन भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। अब ये बोल रहे हैं भैया रिफर्बिश्ड हैं, सेकंड हैंड होंगे तो कैसे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन आपको पता चल जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोन ऑर्डर करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नए वेरिएंट देखूँगा, प्रो वाला देख लेता हूँ, 12 प्रो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुपर कंडीशन आपको दिख जाएगी, एक फेयर कंडीशन दिख जाएगी, एक गुड कंडीशन दिख जाएगी, थोड़ी प्राइस में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। जो फेयर वाले होते हैं उसमें स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नज़र आते हैं, गुड वाले में थोड़े कम स्क्रैचेस नज़र आते हैं, और जो सुपर कंडीशन होती है उसमें बिल्कुल माइनर से आपको स्क्रैचेस वगैरह नज़र आएंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें जौन जौन से वेरियंट अवेलेबल होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे, आप जौन सा वेरियंट लेना चाहते हैं। मेरा तो मानना ये है भैया आप 128 GB वाला वेरियंट ले लीजिए, और अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा स्टोरेज वगैरह की तो आप चाहे तो SSD वगैरह ले सकते हैं 2 TB की। जितने में आप अपने आईफोन में 100 GB के आसपास बढ़वाएंगे उतने में आपकी SSD जो होती है वो 2 TB की आ जाएगी। तो मेरा तो मानना यही है भैया
जैसे मैं ज़्यादातर आउटडोर वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए आईफोन यूज करता हूँ, मतलब अभी तो मैंने लिया नहीं है, अब लूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया 2 TB की हार्ड डिस्क ले लूँगा, हार्ड डिस्क नहीं सॉरी, हार्ड डिस्क तो काफ़ी स्लो होती है, SSD ले लूँगा। जैसे मैं अगर 10,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ आईफोन में, तो सिर्फ 100 GB बढ़ रही है, इसी के हिसाब से अगर मैं SSD लेने जाऊँ तो 10,000 रुपये में 2 TB की SSD आ रही है अच्छी वाली। तो मतलब 10,000 में नहीं, 12,000 में आ जाएगी, 13,000 में आ जाएगी, लेकिन हाँ उसमें मतलब मुझे ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगा और आराम से चाहे इतनी वीडियो शूट करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। और वैसे मेरे इतने 100 GB के आसपास कम चल जाता, क्योंकि आईफोन ज़्यादा स्टोरेज अपना खुद का लेता नहीं है और मुझे ज़्यादा सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए इसका यूज करना है, ना मुझे गेमिंग करनी ना कुछ करना है। अगर आप गेमिंग वगैरह के पर्पज़ से ले रहे हैं तो आप चाहे तो 256 GB वाला वेरियंट ले सकते हैं। वैसे सत्यम जो ऑर्डर करेगा वो 128 GB ऑर्डर कर रहा है और वो भी गेमिंग के लिए ही ऑर्डर कर रहा है, साथ में आउटडोर वगैरह कुछ शूट वगैरह किया करेगा उससे। तो जब अपन इसको यूज करेंगे, वो आप आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 128 GB वर्थ है या फिर नहीं है, या फिर और थोड़ा बड़ा वाला वेरिएंट लेना चाहिए, कहीं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई, वो आपको आगे वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं UPI पे, और सादा में अगर आप लेते हैं किस्त वगैरह बनवा कर तो इतने का पड़ेगा। इसमें नो कॉस्ट EMI आपको परमानेंट मिलता रहता है, ऐसा नहीं है कि नो कॉस्ट EMI नहीं मिलेगा, यहाँ पर परमानेंट नो कॉस्ट EMI चलता रहता है, तो आप चाहे जब मंगवा सकते हैं। और 6 महीने की वारंटी आपको यहाँ से दी जाती है और 15 दिन का रिफंड दिया जाता है, मतलब 15 दिन के अंदर अगर आपको लगता है भैया पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं इस मोबाइल को और दूसरा मोबाइल ले सकते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो वो ये ले लेंगे, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे बच रहा होगा तो ये आपको रिफंड कर देंगे जब आपका रिप्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मोबाइल अवेलेबल मिल जाते हैं कैसी भाई पे, और जब मेरा आ जाएगा उसका ब्लॉग आप देख ही लेंगे इसी वाले चैनल पर, उसको अनबॉक्सिंग वगैरह मैं करूँगा, 17 तारीख को हो सकता है आ जाए या फिर 18 तारीख को आए, वैसे 17 तारीख की डेट आसपास दिखा रहा है। और मैं 17 तारीख को ही अयोध्या से लौट के आऊँगा, जो कि आप मेरे अयोध्या वाले ब्लॉग्स देख ही लेंगे जो कि इसी चैनल पर अपलोड होंगे। दोस्तों सत्यम ऑर्डर करवा रहा है आईफोन 14 प्लस, जो कि कैसीफाई से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। रेट आप देख सकते हैं 53,699 रुपये पड़ रही है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग इसको मंगा रहे हैं। 6 महीने की सोच रहे हैं किस्त बनवा लेंगे। ऑन टाइम प्रोसेसिंग फी 1% और 100 रुपये लगेंगे। तो भैया कार्ड की डिटेल्स हमने डाल दी है इसमें, 1246888 1246888 और ये वेरीफाई कर रहा है, पहली बार इस कार्ड से पेमेंट करी है और पेमेंट सक्सेसफुल। कैसे भाई, सत्यम का ऑर्डर हो चुका है मोबाइल, हमारी भैया कंपनी से ही आ गया। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर लगाया, तुरंत जो एक्सिस बैंक में नंबर लगा हुआ था उससे कॉल आ गया कि इतना बड़ा ऑर्डर लगाया, इसको पेमेंट को कंफर्म करवाइए, क्योंकि आजकल फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं। अभी मेरे फ्रेंड के साथ एक फ्रॉड हो गया था, उसका क्रेडिट कार्ड उसने बंद करवाने के लिए फ़ोन किया और उधर तो कॉल उठा नहीं, लेकिन थोड़ी देर में फ्रॉड वाला कॉल आ गया, तो उसने बोल दिया, उसको लगा शायद बैंक से ही होगा, उसने बता दिया मुझे क्रेडिट कार्ड अपना बंद करवाना है, फालतू में ऐसे डला है, चार्जेस वगैरह कटते रहते हैं एनुअली। तो उधर से कुछ लिंक आ गई, उसने अपनी डिटेल भर दी और 80-90 हज़ार रुपये चले गए उसके। तो इस वजह से ये शायद पेमेंट अप्रूव करवाने का ऑप्शन दे दिया उन्होंने। हाल की हाल तुरंत कॉल आता है एक्सिस बैंक की तरफ से, यही मतलब पेमेंट तो हमारे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से कट गई लेकिन अप्रूव नहीं हुई है। हुई अप्रूव, मतलब यहाँ तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में दिखा रहे हैं ना, पेमेंट तो करवा दी। बाबू छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आई रे, मैं गाना सुन लेगा। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आई रे। बाबू कहाँ है छोटी सी किशोरी, कहाँ है? अरे कुछ टाइम पहले मुकेश का फोन आया कि तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं गोपाल के लगन में। और आप देख सकते हैं 8 बज गए और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, लाइट आ नहीं रही है, करीब 5 बजे के आसपास चली गई थी, तब से लाइट आई नहीं, मतलब 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन ऐसे ही हो रहा है, लाइट चली जाती फिर नहीं आती है, आती है कहीं 3-4 घंटे बाद। और जैसे कि आपको पता है उसको चोट लगी हुई है, तो बाइक से ही निकलेंगे इसी से। सामने एक छोटा सा बच्चा हुआ, गाना सुनना है, गाना कौन सा सुनना है? तो ये रात के 12:30 हो रहे हैं लगभग, और अब पहुंचा हूं मैं घर पे।
लगन से आने के बाद दोस्तों मैं लग गया था एडिटिंग में, वैसे तो आलस आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने सोचा था एक आध ब्लॉक तो एडिट कर ही लेता हूँ क्योंकि फिर मेरे पास टाइम वगैरह मिलेगा नहीं। तो इस वाले ब्लॉक की भी एंडिंग कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।